हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं आपका साथ यार कंजन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो सेंटर एग्जाम चल रहा है उसी का जो हम लोग आंसर के मिलाने वाले हैं। अगर आप लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना मिस के अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये आज हम लोग का वीडियो है, ये हिस्ट्री का वीडियो होगा। ओके, हिस्ट्री में हमको ये सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा दें। इसमें से आपको ये क्वेश्चन दिया गया, पूरा प्रश्नों की संख्या 100 है, 100 में से आपको 50 को मारना है। इसलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये है हम लोगों का कांस्य युग, कांस्य युग। और इसका ऑप्शन में कैसे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। किसका? लोहा का। इसका ऑप्शन क्या है हम लोग? इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा जो हम लोग का रावी नदी किनारे स्थित, किस नदी के? रावी नदी किनारे। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो हम लोग का फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी का। यानी इसका ऑप्शन क्या है हम लोग का? बी हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, कलकत्ता के एससीईआरटी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार। तो बिंबिसार जो हम लोग का था वो हम लोग का हयंक वंश का राजा था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को, सम्राट अशोक को। पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा क्योंकि आपका समय ज़्यादा खा जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? आठवां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका कालिदास। क्या होगा इसका आंसर? कालिदास। इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन सबका सेम टू सेम है, किसी एग्जाम आज हो रहा है तो किसी एग्जाम कल हो रहा है, तो आपको डेट से मत लेके चलिए, ठीक ना। आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, वही क्वेश्चन। ओके, जाइए एग्जाम में, मोबाइल खोलिएगा, पूरा धड़ाधड़ मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना? तो भीष्म। किसको? भीष्म। इसका आंसर क्या हो? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य किसने? किताब है तो ये लिखे थे महात्मा, ये लिखे थे हम लोगों का ये बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। किसका? भीम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू धर्म क्या है? गीता है। मुस्लिम क्या है? कुरान है। इसलिए क्या हो, त्रिपिटक हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप ये हम लोग का मध्य प्रदेश में है। जो हम लोग नोट पर भी देखते हैं, ये 50 के शायद नोट पर है, 50 के नोट पर जो है वो सांची का स्तूप है। अगला क्वेश्चन है कि जीतल किस धातु का बना होता है, सिक्का होता है? जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता है? तो जीतल जो होता है ये हम लोगों का चांदी का बना हुआ सिक्का होता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो ये किस किया था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? अकबर के शासक के रूप में शासनकाल क्या था? तो अकबर का जो शासनकाल था हम लोग का 1556 से 1626। इसके आंसर में क्या? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासक का रूप काल जो था, कार्यकाल, वो 56 से 1605 था। अगला क्वेश्चन लोग है कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी 1576 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लोग है,
दीन ए इलादी संबंधित है। दीन ए किससे, दीन ए इलादी किससे संबंधित है, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। तो ये हम लोग का है अकबर से, किससे, अकबर से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कमल महल कहाँ स्थित है, कमल महल कहाँ स्थित है, बीजापुर, हम्पी, मैसूर, कांचीपुरम। तो देखिए कमल महल जो ये हम लोग का है और ये मैसूर में स्थित है, कहाँ पर, मैसूर, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नहीं कांची, कमल महल ये हम्पी में हो, कहाँ पर, हम्पी में, ये गलती है। अगला क्वेश्चन है कि अव्ययंगर व्यवस्था संबंधित है किससे, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। देखिए ये जो हम लोगों का ये है विजयनगर साम्राज्य से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हम लोग गोपुरम, कैसी, गोपुरम, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किसकी दरगाह है, अजमेर में जो लोग अजमेर जाते हैं, हालांकि मुसलमानों का ये जान आना जाना होता है अधिकतर, तो अजमेर में अधिकतर किसका दरगाह है, तो अजमेर में मैनुद्दीन चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब हुआ था, हालांकि इस क्वेश्चन थोड़ा सा हम कन्फर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, सर्च मार लीजिएगा मोबाइल पर आ जाएगा, हालांकि जरा से इसको देख लेते हैं 1 मिनट। देखिए यार कभी कहना 1398 में, कितना 1398 में, इसमें ऑप्शन में है नहीं, इस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक ना, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसके बाद हमको 50 क्वेश्चन मारना है, 50 से ज़्यादा आपको क्या करिएगा जान करके, 50 को मारना है। अगला क्वेश्चन, रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद, कौन, राघवानंद, राघवानंद। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के, किसके, संत कबीर के। अगला क्वेश्चन, इबन बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो इबन बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उर रेहला, किताब उर रेहला, 33 से क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले प्रसिद्ध यात्री ये थे मेगास्थनीज, कौन था, मेगास्थनीज था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 सारे युद्ध किया थे, बक्सर का युद्ध कब, 1764, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन किस देश के रहने वाला था, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था, और फ्रांसिस बुकान ये कन्फर्म भारत होगा कि, सॉरी फ्रांस होगा कि पुर्तगाल होगा, ये दोनों में से वही कोई थोड़ा कन्फर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा। हालांकि 50 क्वेश्चन को मारा, 85 क्वेश्चन आप करा रहे हैं, ठीक ना, जल्दीबाजी में थोड़ा सा आंसर बनाए हैं, सारा आंसर कन्फर्म है, एक आध दो आंसर हो सकता है इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी सारा आंसर कन्फर्म होगा। अगला क्वेश्चन लोग है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन है कि किस युग के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुई, किस युद्ध के बाद, उपरांत मीन्स होता है बाद, और तो ये हुआ था हम लोगों का प्लासी के युद्ध के बाद, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है, हड़प नीति, क्या चाहिए, हड़प नीति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो भारत में प्रथम आने वाला पुर्तगाली था, कौन था, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर भेजा गया, कहाँ भेजा गया, तो उसको कहाँ भेजा गया था, टोक्यो में, पेरिस में, बीजापुर, रंगून, तो उसको भेजा था रंगून, कहाँ पर, रंगून, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था हम लोगों का मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1857 की क्रांति करने तो किसने किया था? पीर अली। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो वो हुई तुम लोग का 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। क्या नाम था? तो इसका 44 का हो जाएगा सी, फोर्ट विलियम। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी हम लोग का 1872 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो पुणे और बॉम्बे। पुणे और बम्बई की नहीं, बम्बई और थाने के बीच चली थी। बम्बई और थाने के बीच। इसका आंसर बी होगा, पुणे नहीं, बम्बई और थाने के बीच। अगला क्वेश्चन है कि चार इमारतें किस शहर की विशेषता है? चार इमारतें होगा मद्रास की। कहाँ की? मद्रास की। चार इमारतें किस शहर की विशेषता है? तो ये मद्रास होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 47 का आंसर डी, मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो चंपारण से, जो कि चंपारण सत्याग्रह नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, दांडी मार्च के बाद से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? अरे देखो, अभी क्वेश्चन आने वाला है, बाल दिवस आने वाला है, यानी कि 14 नवंबर को। सारे को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बच्चा बच्चा को पता है। दांडी किस राज्य में है? दांडी जो है किस राज्य में? तो ये हम लोग को पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। दांडी का राज्य है गुजरात में पड़ता है, सॉरी दांडी जगह है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन लोग कब हुआ था? तो 1911 में, सॉरी 1905 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। और आप लोग इस और ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा तो इस PDF को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है राहुल टीच। वहाँ पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, राहुल टीच के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ये आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको परीक्षा में 50 क्वेश्चन बनाना था, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन को करा दिया है। ओके, तो तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, और विषय का भी टोटल डला रहा है, थोड़ा धैर्य रखें, आपका सारा का आंसर की मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।